उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लाडले बहना को 6,000 रुपए महीना वादा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आपको बता दें, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव शुक्रवार को इंदौर के करीब स्थित अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। पूर्व मुख्यमंत्री यादव से एक संवाददाता ने लाडली बहना योजना को लेकर सवाल पूछा कि क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना अच्छी है, तो यादव का जवाब था कि इस योजना में महिलाओं को 6,000 रुपए महीने मिलना चाहिए। समाजवादी सरकार बनेगी तो लाडली बहना को 6,000 रुपए की राशि देंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की है, जिसमें हर माह पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस तरह साल में 12,000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। अंबेडकर नगर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद भी थे, जिन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मैंने लाडली योजना को लेकर कुछ कहा तो मैंने कहा यूपी में बहुत पहले से इस तरह चल रही थी। अच्छा, हम तो 6,000 देना चाहते थे, तो यहाँ तो 6,000 नहीं मिल रहे। जब 6,000 मिलने लगे तब अच्छी बताई।